हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, अपनी आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आज सुबह मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर बताया कि कल हमें ग्लोबल क्यूज के अंदर एक बहुत अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिला था, और आज सुबह भी हमारा जो SGX निफ्टी था, सिंगापुर निफ्टी, ठीक है, वो भी एक अच्छे खासे गैप डाउन पे खुला, ठीक है। बट जो दोस्तों हमारी जो UK मार्केट थी, वो कहीं ना कहीं बुलिश पॉजिटिव मोमेंटम में क्लोज हुई थी, जिसकी वजह से एक हमारे जो इंडियन मार्केट में कंफ्यूजिंग सिचुएशन बन चुकी थी, ठीक है, और एक कंसोलिडेशन रेंज में ही हमारा निफ्टी ओपन होगा, ऐसी मैंने आपको बताया था। और आप कहीं ना कहीं देखेंगे भी तो हमारा जो निफ्टी है वो एक सिर्फ कंसोलिडेशन रेंज में ही ओपन हुआ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों निफ्टी में कहीं ना कहीं साइडवेज मोमेंटम में ही निफ्टी नीचे चलता चला गया, फिर उसके बाद साइडवेज मोमेंटम में ही निफ्टी ने वापस से अपनी रिकवरी ले ली। अब दोस्तों मार्केट के अंदर, निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर हमारी क्या आगे की रणनीति रहनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप दोस्तों जैसे देखेंगे तो निफ्टी में एक ये ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट हो रही है। आप देखेंगे तो छोटे टाइम फ्रेम पे निफ्टी बार बार एग्जैक्ट यहीं से कहीं ना कहीं से सपोर्ट फाइंड कर रहा है इसी ट्रेंड लाइन पे से, और एक वापस से रिवर्सल ले रहा है या फिर गैप डाउन गैप अप ओपनिंग दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी एग्जैक्ट आप देखेंगे तो मार्केट ने आज थोड़ी सी कंसोलिडेशन रेंज में ओपन होके एक थोड़ा सा यहां तक आया, फिर उसके बाद मार्केट ने एक रिवर्सल ले लिया। अब दोस्तों इसके अंदर हमारी आगे की रणनीति सिंपल रहनी चाहिए कि मार्केट जब भी अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है ना, एक बहुत अच्छा खासा हमें बुलिश मूव दिखा रहा है, ठीक है। तो अब इसका जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है ये उसके बहुत नियर क्लोज हुआ है। अब जैसे ही हमारा निफ्टी कल 18,038 के लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है, हमारे लिए इसके अंदर एक बहुत अच्छा खासा बुलिश सिनेरियो जनरेट हो जाएगा, और इसके बेसिस पे हम एक निफ्टी के अंदर बहुत अच्छा खासा एक बुलिश मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट दोस्तों अगर निफ्टी के, जैसे कि हमारे अभी ग्लोबल क्यूज इस समय तो थोड़ा सा नेगेटिव चल रहे हैं, पर अभी मार्केट क्लोज नहीं हुई है, देखते हैं कि किस तरह क्लोज होगी वो मैं आपको कल अपने टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा, ठीक है। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो लिंक मैंने दे रखा है नीचे, उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको उसमें बता दूंगा कि कल कैसे मार्केट ओपन हो रहा है, गैप अप होगा या गैप डाउन का सिनेरियो होगा। अगर मार्केट कहीं ना कहीं ये गैप डाउन ओपन होता है और थोड़ा सा साइडवेज भी होता है तो हम वेट कर सकते हैं कि आपका 17,937 का लेवल ब्रेक हो, ठीक है। अब जैसे ही 17,937 का लेवल ब्रेक होगा, आपका यहां से कहीं ना कहीं एक रेंज पे आएगा, ये वापस इस ट्रेंड लाइन को टच करने आएगा, और जैसे ही ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा ना, आप प्रीवियसली देखेंगे भी तो मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ पे ब्रेक करा भी था, तो कितना अच्छा हमें पुट साइड पे एक अच्छा खासा ट्रेड मिल गया था, ठीक है। तो दोस्तों कल हमें इस रेंज के लिए कल निफ्टी को ट्रेड करके चलना है। हम वेट करेंगे कि अगर हमारा पॉजिटिव निफ्टी में हमें पॉजिटिव ट्रेड लेना है तो 18,038 का लेवल ब्रेक हो, और अगर हमें नेगेटिव साइड का ट्रेड लेना है तो 17,937 का लेवल ब्रेक होना चाहिए, और उसके बाद कंफर्मेशन के लिए हम इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों हमारे अगले इंडेक्स पे जो कि है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की दोस्तों मैं आपसे बात करूं तो आप सिंपल देखेंगे, ठीक है, मैं आपको सिंपल एक रणनीति बताऊंगा अपनी, जो मैं कल जिस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड करके चलूंगा। अगर बैंक निफ्टी हमारा 38,492 के ऊपर रहता है ना दोस्तों, जब तक मैं बैंक निफ्टी में बुलिश रहूंगा और होप करूंगा, देखूंगा मार्केट को जज करूंगा, होप करके चलूंगा कि मार्केट यहीं से एग्जैक्ट रिवर्सल ले ले, और अगर यहां से रिवर्सल स्पॉट आउट मेरे को होता है तो एग्जैक्ट यहीं से मैं कहीं ना कहीं एक अपने ट्रेड में एंटर होके एक बहुत अच्छा खासा बुलिश साइड पे भी अपना टारगेट रख सकता हूं, ठीक है। बट दोस्तों अगर मार्केट यहां से ब्रेक दे देता है वापस से ट्रेंड लाइन का और इस रेंज में आ जाता है तो ये आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा, क्योंकि आप देख भी पा रहे हैं कि बैंक निफ्टी जब भी इस रेंज के अंदर आ रहा है कहीं ना कहीं साइडवेज मोमेंटम में ही फंस रहा है, ठीक है। तो इस रेंज के अंदर बायर्स और सेलर्स दोनों ही कंफ्यूज है कि बैंक निफ्टी की डायरेक्शन क्या होगी, तो हमें वेट करना है कि जैसे ही हमें एक भी रेंज का ब्रेक मिलता है, या तो 38,492 के लेवल का ब्रेक मिले या फिर नीचे की तरफ से 38,165 की तरफ से मिले, जब ही हम बैंक निफ्टी के अंदर एंटर होंगे और उसके बाद ही हम कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा खासा मोमेंटम इसके अंदर चेज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों हमारे बेस्ट 4 स्टॉक्स पे जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो आज के स्टॉक्स की दोस्तों मैं आपसे बात करूंगा, तो आज आप देखेंगे तो सिर्फ हमें हिंडालको के अंदर ही मैं एंटर हो पाया था, ठीक है, क्योंकि हमारे तीन चारों के चारों स्टॉक्स एक बहुत अच्छे गैप अप पे ओपन हुए। गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी नेगेटिव चल रही थी स्टार्टिंग में, तो वो भी कहीं ना कहीं नीचे गिरने लगे,
तो उसमें गैप अप ओपनिंग के बाद तो मैं कभी भी स्टॉक को बाय करता ही नहीं हूँ, मैं वेट करता हूँ कि ये मेरी रेंज में वापस आए। और जैसे ही हिंदाल्को मेरी रेंज में आया, मैंने इसके जस्ट ब्रेकआउट पर अपने लेवल जो मैंने आपको कल दिया था उस पर बाय करा, और एक बहुत अच्छा खासा 1:2 का टारगेट हमने हिंदाल्को में अचीव करा। हालांकि ये 2:30 तक अराउंड आपका 1:3 का टारगेट बन चुका था, बट मैं 1:2 के बाद इसके अंदर से एग्जिट हो गया था। ठीक है, सेकंड टारगेट दोस्तों हमें मिला था हमारे सेकंड टारगेट हमें देखने को मिला था नेशनल एल्यूमिनियम में, जो मैंने आपको कल दिया था अराउंड 5% का टारगेट देखने को मिला। ठीक है, मैंने आपको इसमें बताया अभी कि 6% का इंट्राडे का टारगेट, बट दोस्तों मैंने उसका स्क्रीनशॉट शेयर इसलिए नहीं करा क्योंकि मैं उसके अंदर एंटर हुआ ही नहीं था। मेरा दोस्तों सिंपल रूल है, मैं 2:30 बजे के बाद अगर किसी स्टॉक में मोमेंटम दिखता है तो मैं कभी एंटर उसके अंदर होता ही नहीं हूं। ठीक है, अब दोस्तों हमारे आगे के जो बेस्ट 4 स्टॉक्स मैं आपके लिए लेके आया हूं, सबसे पहला स्टॉक है हमारा कोफॉर्ज। कोफॉर्ज की दोस्तों आपसे मैं बात करूं तो आप देखेंगे तो एक बहुत पीछे से ही हमारी ये ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट होती हुई आ रही है। ठीक है, और इसी के ऊपर से बार बार कोफॉर्ज सपोर्ट लेके एक बहुत अच्छा पॉजिटिव मूव हमें दे देता है। अब मार्केट में आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि हमारे आईटी सेक्टर में कहीं ना कहीं थोड़ी सी नेगेटिव फॉल आ रही है कुछ दिनों से। ठीक है, अब दोस्तों हमें इसके अंदर क्या करना है, आप देखेंगे तो एग्जैक्ट यहां से हमें नोटिस भी हो रहा है कि एग्जैक्ट ये सपोर्ट यहां से फाइंड कर चुका है। ठीक है, तो अब दोस्तों जब तक ये आपका 5,250 के लेवल के ऊपर रहता है ना, मैं इंडिकेशन बनाता हूँ, 5,250 के लेवल के ऊपर रहता है ये, जब तक आप इसके अंदर बाइंग इनिशिएट करके चल सकते हैं। और अपना जो टारगेट है वो स्टॉप लॉस अराउंड अपना 30-40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रख के एक पॉजिटिव साइड में 1:2 का टारगेट आप इसके अंदर इजिली अचीव कर जाओगे। ठीक है, तो आपको वेट करना है कि ये आपकी कहीं ना कहीं रेंज के पास ही खुले। ठीक है, और जैसे ही आपकी रेंज के पास खुलता है ये, तब आप इसके अंदर एक अच्छा खासा टारगेट अचीव कर सकते हो। ठीक है, नेगेटिव साइड में दोस्तों इसमें आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ट्रेड ले, बट आप कहीं ना कहीं अगर रिस्की ट्रेडर हैं तो आप वेट कर सकते हैं कि आपकी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो। ठीक है, और जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है ना आपकी, आप इसमें भी नेगेटिव साइड में भी एक बहुत अच्छा खासा 1:2 का टारगेट इंट्राडे में अचीव कर सकते हो। ठीक है, नेगेटिव साइड पे भी आप वेट करेंगे कि आपका 5,222 का लेवल ब्रेक हो। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों हमारे अगले स्टॉक पे जो कि है हीरो मोटो कॉरपोरेशन। हीरो मोटो कॉरपोरेशन में दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा, जी दोस्तों कल जैसे ही, ठीक है इसमें आपको क्लियर एक मैं लाइन बना के दे दूंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी, कल जैसे ही आपका 2,927 के लेवल के ऊपर जाता है, सस्टेन कर जाता है, आप इसके अंदर सीधी अपनी बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। और अपना जो फर्स्ट टारगेट है वो 1:2.5 का फर्स्ट टारगेट लगा के चलेंगे, और जो सेकंड टारगेट है वो 1:3 का आप इसके अंदर इजिली ग्रैब कर जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों हीरो मोटो कॉरपोरेशन को आप अपनी वॉच लिस्ट में जरूर बना के रखिएगा क्योंकि इंट्राडे में आपको ये बहुत अच्छा खासा टारगेट देने वाला है। ठीक है, नेगेटिव साइड में दोस्तों मैं आपको इसके अंदर सजेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, रिस्की ट्रेडर्स को भी नहीं बोलूंगा कि आप इसके अंदर ट्रेड लें क्योंकि थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे आके दिखाऊंगा मैं आपको, तो आप देखेंगे तो एग्जैक्ट ये यहां से बार बार रेसिस्टेंस फेस कर रहा था। ठीक है, और एग्जैक्ट यहां पे इसने इसको ब्रेक कर दिया है बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ भी। ठीक है, अब आप इसमें यहां पे हम रीटेस्ट भी एक अच्छा खासा देख चुके हैं, तो अब इसमें नेगेटिव होने का तो वो तो एक अपोजिट टू द ट्रेंड हम ट्रेड करेंगे, ऐसा हो जाएगा सिनेरियो। तो मार्केट के जब मैं मतलब ट्रेंड की डायरेक्शन में ही ट्रेड करना दोस्तों पसंद करता हूं, और इस समय ये मेरे को बहुत अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अब आते हैं हमारे अगले स्टॉक पे जो कि है टाटा स्टील। टाटा स्टील की दोस्तों मैं आपसे बात करूं तो आपको छोटे टाइम फ्रेम पे ही मैं दिखाता हूं एक बारी, पहले बड़े टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये ट्रेंड लाइन इसकी बहुत पीछे से रिस्पेक्ट होती हुई आ रही है। ठीक है, एग्जैक्ट यही इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर ये सपोर्ट फाइंड कर रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, और अब ये इस ट्रेंड लाइन के पास से सपोर्ट फेस करने के बाद एक रेंज में फंस गया, एक चार्ट पैटर्न बना रहा है। ठीक है, जहां पे जो सेलर्स हैं वो कहीं ना कहीं श्रिंक होते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं सेलर्स जो है वो श्रिंक हो रहे हैं और बायर्स भी कहीं ना कहीं एक ही रेंज में फंस रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ही दोस्तों कल ये आपका, मैं आपको लेवल बना के देता हूं इनको हटा के एक बार ड्राइंग हटा दूं, कल दोस्तों जैसे ही आपका ये स्टॉक 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपको अबव 1,330 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता है ये, आप इसके अंदर एक बहुत अच्छी खासी बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। और इंट्राडे में भी आप इसमें अपना अराउंड 10.5-10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रख के एक पॉजिटिव साइड पे 1:2 का टारगेट इंट्राडे में अचीव कर जाओगे।
ठीक है दोस्तों, तो इसको अपनी वॉचलिस्ट में आप जरूर बना के रखिएगा, क्योंकि कल ये आपको मेरे हिसाब से बहुत अच्छा खासा टारगेट मेटल सेक्टर की तरफ से देने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हमारे आखिरी स्टॉक पे, जो कि है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा, बड़े टाइम फ्रेम पे भी आपको क्लियरली दिख ही जाएगा, छोटे टाइम फ्रेम पे आने की जरूरत नहीं उसके लिए हमें। ठीक है कि इसके लिए एक ही मेजर सपोर्ट का काम कर रही है ये। ठीक है, मार्केट में जब पिछली बार एक फॉल आया था तो एग्जैक्ट यहीं से इसने सपोर्ट फेस करी और वापस ये पॉजिटिव हो गया था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब मार्केट में जैसे कि आईटी सेक्टर में वापस से एक फॉल आ रहा है, तो एग्जैक्ट यहीं पर ही इसने एक काइंड ऑफ रेसिस्ट एक सपोर्ट फेस करा है। ठीक है, अब इसके अंदर हो सकता है कि कल ये यहीं से रिवर्सल देके एक बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव साइड पे हमें मोमेंटम दे जाए। ठीक है, तो इसके ऊपर दोस्तों मैं आपको लेवल देता हूँ कि किस लेवल के ऊपर हमें इसके अंदर बाइंग इनिशिएट करनी है। ठीक है दोस्तों, कल ये जैसे ही आपका जब तक ये आपका अबव 1375 के लेवल के ऊपर रहता है दोस्तों, ये जब तक हम इसके अंदर बुलिश रहेंगे और एक अपना अराउंड 5-10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रख के एक बहुत बड़ा मोमेंटम इसके अंदर हम चेज कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट दोस्तों मैं इसमें आपसे बोलूंगा कि आप फर्स्ट टारगेट 1:2 का लगा के चलेंगे, और जो सेकंड टारगेट है वो 1:2.5 का आप इसके अंदर इजीली ग्रैब कर सकते हो। बट दोस्तों अगर कहीं ना कहीं कल आपके आईटी सेक्टर नेगेटिव रहते हैं तो आप इसके अंदर वेट कर सकते हो कि ये आपका इस रेंज को अपने इस सपोर्ट जोन को ब्रेक करे, और जो आपकी रेंज है जो कि आपकी 1360 के लेवल की रेंज है, ये जैसे इसको ब्रेक करता है आप नेगेटिव साइड पे भी अपना 5-10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रख के नेगेटिव साइड भी एक 1:2 का टारगेट इंट्राडे में अचीव कर जाओगे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के स्टॉक्स, आई होप मैंने आपको क्लियरली समझा दिया होगा कि किस तरीके से कल हमको ट्रेड करके चलना है। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना है जिसमें हम लाइव मार्केट के अपडेट्स देते रहते हैं, तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।